याद करो बच्चों, कल अपने 42 क्वेश्चन हो गए थे। देखो 43 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 43 क्वेश्चन में क्या कहता है कि यदि 11 अंकों की एक संख्या दी गई है ये वाली, तो इसको ना 72 से भाग जाता है, तब 7x+7y अंडर रूट में का मान क्या होगा इसका, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें 72 दिया, 72 से भाग के लिए बोला है, तो कौन सी कसौटी लगाएंगे, 8 9 72। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, 8 की कसौटी अप्लाई करेंगे। 8 की कसौटी क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे लास्ट के 3 डिजिट में 8 से भाग जा रहा है क्या, है ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, देखो 8 9 72 कितना बचेगा, 6 बचेगा, कितना बचेगा, 6। और 8 के पहले में 6 के बाद कौन सी संख्या आती है, 8 8 64, कितना था, 64। मतलब यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये वाई की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 4 मिल गई। इसके बाद x की वैल्यू निकालनी है, और उसने बोला है अभी 9 की कसौटी, 9 की कसौटी बोले तो अंकों का योगफल कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो 9 9 की जोड़ी बनाकर कट करते चलो। देखो 8 और 1 कितना हो गया, 9, ये खत्म हो गए, ये भी 9 खत्म हो गया, 6 3 9 खत्म हो गया, हाँ 7 और 2 ये खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे 4 3 7 7 और 8 15, 15 में कितना जोड़ेंगे, 18 हो जाएगा, 3। मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, समझ रहे बच्चों, x और y की वैल्यू पता चल गई। तब आपको क्या करना है, अंडर रूट के अंदर इनकी वैल्यू डाल देना है, 7 गुना में कितना 3, प्लस में 7 गुना में कितना 4, यहां पे हो जाएगा 7 3 21, और यहाँ पे हो जाएगा 7 6 28। जब इनको आप ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 49, और इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 7। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 7, सी इसका करेक्ट आंसर है। चलो लिख लो, देखो यहाँ पे सवाल में क्या करेंगे बच्चों, देखो यहाँ पे बोला हुआ छोटी से छोटी संख्या, अब छोटी से छोटी संख्या के तो हम लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम। अच्छा एलसीएम निकालने कितने लोगों को नहीं आता है बता दो, आपको पता है एलसीएम निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, देखो यहाँ पे बोला है 3 4 5 और 6 का सबसे पहले निकाल लेंगे एलसीएम। देखो पहले 2 से भाग दे दो, 3 से दे दो, 3 एकम 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, और 3 दुनी 6, अब 2 से भाग दे देंगे, 2 दुनी 4, 5 और 2 एकम 2, वापस से 2 एकम 2 और 5 एकम 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 दुनी 10 और 3 दुनी 6, 6 गुना में 10 60, एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। तो उसने सवाल में क्या बोला बच्चों कि अपने को 3 4 5 और 6 से ना पूर्ण विभाजित हो जाए, मतलब इसमें क्या जोड़ा जाए, ऐसा बोला, इसमें क्या जोड़ने पर वो पूरी संख्या इससे विभाजित हो जाएगी। तो ये बात ध्यान में रखना, एक ऑप्शन के बेस पे बताता हूँ कि आप ना 24 83 में नॉर्मल मेथड से क्या करेंगे, 24 83 में आपको भाग देना पड़ेगा 60 से, ये सुनो, जो रिमाइंडर आएगा जो भी शेषफल बचेगा इसमें से माइनस करना। लेकिन अगर आप एक बात ध्यान में रखो, पूरी पूरी संख्या अगर डिवाइड करनी है आपको, तो यहाँ पे इकाई के स्थान पे क्या दिया है, 0 दिया है। तो यहाँ पे ना ऐसी कौन सी संख्या जोड़ने पर इकाई के स्थान पर 0 आ जाएगा, सिर्फ इतना करना था आपको, समझना। तो इसमें कौन सी संख्या जोड़ेंगे तो आपको 0 मिल जाएगा, तो वो क्या आएगा, 7 और 3 10, सिर्फ यहाँ पे 0 मिल रहा है। तो इसका मतलब आपको 37 जोड़ने पर ये पूरी पूरी संख्या क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, समझना बच्चों। तो थोड़ा ना आपका कॉमन सेंस भी यूज करना पड़ेगा कि नहीं, वहां पे बोला है कि कौन सी संख्या से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, एलसीएम में 60 आया है, लास्ट में 0 है, मतलब जो भी उसका आंसर होगा वो इकाई के स्थान पर क्या होगा, 0 ही होगा, क्लियर हुआ। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 37 आ जाएगा बेटा। अब दूसरे मेथड से क्या करेंगे, इसको भाग देंगे, और भाग देने के बाद जो भी शेषफल आएगा क्या आएगा, शेषफल, और शेषफल कहां से माइनस करेंगे, 60 में से माइनस करेंगे, तब आपको उत्तर मिल जाएगा। ये आप लिख लेना, लेकिन जहां तक करने की जरूरत पड़ती नहीं है, ठीक है, लिख लो। कितने लोगों का इसका आंसर आ गया है, 1 2 3 से, ठीक है। चलो बच्चों यहां पे ध्यान दो, देखो यहां पे सवाल में क्या बोला है, माना x, देखो यहाँ पे x थोड़ा छोटा है बड़ा, ये x, ठीक है, यहाँ पे x जो दिया गया है ना 1420 और 1780 के मध्य में, मतलब इनके बीच में ये x संख्या है, जो कि 1420 से बड़ी होगी, 1780 से छोटी होगी, ठीक है। जब x को 10 15 24 और 32 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में 7 शेष रहता है, इसका मतलब ये जो x है ना, x को इन सभी संख्याओं से विभाजित किया जाता है, और पूरा पूरा भाग जाने के बाद कितना बचता है, 7 बचता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों कि 10 15 24 और 32 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है। कितने से, 2 से भाग दे दो, देखो 2 5 10 15 12 16, वापस से 2 से दे दो, 2 6 12 2 8 16,
और यहाँ पे 15 और यहाँ पे 5, वापस से 2 से 2, 2 3 6 और 2 4 8, यहाँ पे 5 और 15। अब 3 से 2 देखो, 3 यहाँ पे नहीं जाएगा, 3 5 15, 3 एकम 3 और यहाँ पे 4। अब ये जो भाग जाएगा ना बच्चों, ये 4 एकम 4 हो जाएगा और यहाँ पे 5 एकम 5 हो जाएगा, ये आपका पूरा खत्म हो गया। जो एलसीएम आएगा इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा, बराबर है? तो जब एलसीएम आप निकालोगे तो एलसीएम आ जाएगा इनका, देखो 5 और 20, 20 23 60, 60 दूनी 120, 120 का डबल 240 का डबल 480, एलसीएम आ गया। मतलब 480 एक ऐसी संख्या है जिस संख्या से इन सभी संख्याओं से भाग जाएगा इस संख्या में, ठीक है? लेकिन ये जो संख्या है ना 1420 और 1780 के बीच में होनी चाहिए, सवाल में बोला है। तो यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे, 1420 से कितने गुना छोटी है, 3 गुना छोटी है। अगर इससे ना देखो 4 3 12 करेंगे, इसको राउंड फिगर में 500 पकड़ो, कितना पकड़ो, 500 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1500 हो जाएगा, 1500 मतलब 1420 से बड़ी हो जाएगी, ये सुनो। तो क्या करो ना, इसको ना 3 से मल्टीप्लाई करोगे तब अपने को मिल जाएगा एक्स की वैल्यू, जो कि 1420 और 1780 के बीच में आ जाएगी। वो आ जाएगी देखो 0 3 8 24 और 3 4 12 13, 1440 आ गया। क्या गया? 1440। इतना सबको समझ में आया बच्चों? अभी तक कुछ प्रॉब्लम? अब इसके बाद वो क्या कहता है कि जब इसमें भाग देते हो ना, तो हर कंडीशन में कितना शेषफल बचता है, 3 7। तो मतलब यहाँ पे 7 कम है, बराबर है कि नहीं? अगर इन संख्याओं से भाग दोगे ना पूरा पूरा कट जाएगा, देखो 10 से कट करोगे तो 0 0 कट, 144 बार में जाएगा। 15 से भाग दोगे तो भी कट जाएगा, 24 से भाग दोगे तो भी कट जाएगा, और 32 से भाग दोगे तो भी कट जाएगा। लेकिन यहाँ पे उसने बोला 7 बचना चाहिए, तो क्या करेंगे, 7 ऐड कर देंगे, तो जो आंसर आ जाएगा वो 1447 आ जाएगा। अब उसने बोला है तब जो एक्स की वैल्यू आई ना, एक्स की वैल्यू, तो इसमें अंकों का जोड़ क्या होगा, मतलब यहाँ पे जो अंक दिए गए ना इनको जोड़ने पर आंसर क्या आएगा, ऐसे सवाल बोला है। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, इनको जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 7, ये आ जाएगा 16। तो कौन सा आंसर करेक्ट है, सी वाला करेक्ट है बच्चों। चलो लिख लो, देखो जो सवाल क्या बोला है, वो बड़ी से बड़ी संख्या, 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या देखना है, ठीक है? 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या देखेंगे तो क्या जाएगा, देखो 9 करोड़ 99 लाख 9 हजार 99 हजार 999, ये 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है? आप समझ में आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अच्छा 7 अंकों की बोली क्या, अच्छा रात की उतरी नहीं अभी तक। 9 करोड़ 21 22 सैकड़ा 10 लाख 10 लाख, अच्छा 7 अंकों की बोली है ना, 3 3 6 7, ठीक है, 99 लाख 99 हजार 999, ठीक है, ये हो गया बेटा, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, 7 अंकों की कौन सी संख्या होगी जो 10 15 20 24 और 30 से विभाजित करने पर शेषफल छोड़ती हो, क्या 6 11 16 20 और 26। उसका कहने का मतलब ये दिया है कि अगर आप 10 से भाग दोगे तो शेषफल बचेगा कितना, 6, अगर आप 15 से भाग दोगे तो शेषफल बचेगा कितना, 11, अगर आप 20 से भाग दोगे तो शेषफल बचेगा कितना, 16, अगर आप 24 से भाग दोगे तो शेषफल बचेगा कितना, 20, और 30 से भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा, 26। मतलब इनका जो डिफरेंस है ना बेटा वो कितने का रहा है, 4 का रहा है, कितने का रहा है, 4 का, सबका डिफरेंस 4 का रहा है। कितना क्लियर हुआ, ये जो 4 है ना शेषफल और एक्स्ट्रा है, ये और एक्स्ट्रा शेषफल, मतलब आपको जो आंसर आएगा उसमें 4 और ऐड करना पड़ेगा, ठीक है? अब क्या करना है, यहाँ पे जो ये संख्या दी गई है ना उनका निकालेना आपको एलसीएम, क्या निकालेंगे, एलसीएम। जब आप 10 15 20 24 और 30 का एलसीएम निकालोगे तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा, पहले सबसे पहले 2 से भाग दे, 2 5 10, 15 में भाग जाएगा नहीं, यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे जाएगा, वापस से 2 बार 2 से भाग देंगे, यहाँ पे जाएगा नहीं, यहाँ पे जाएगा नहीं, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, और ठीक है। अब 3 से भाग दे दो, 3 5 15, 5 3 2 6 और 3 5 15, अब यहाँ पे 5 से भाग देंगे और यहाँ पे 2 से, खत्म हो गया है ना। इनका जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एलसीएम मिल जाएगा, देखो 5 दुनी 10, 10 क्या है 30, 30 दुनी 60, 60 दुनी 120, एलसीएम कितना आ गया, 120 आ गया। अब ये जो एलसीएम 120 आ गया ना, तो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में भाग देंगे 120 से,
जब यहाँ पे भाग दोगे तो कितने बार जाएगा, 12 टे 96, 960, और यहाँ पे आएगा 39। कब रहे वापस से 9 उतार लेंगे, 12 36 मतलब 360, 39 मतलब हर कंडीशन में 39 रिमाइंडर आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, सारे अंक 9 9 दिए गए, आप कितने बार भी डिवाइड करोगे तो हर कंडीशन में शेष फल कितना आएगा, 39 आएगा रिमाइंडर। और यहाँ पे पहले से और 4 बच रहा था रिमाइंडर, तो यहाँ पे 4 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 43। मतलब इस संख्या में जब आप भाग दोगे ना तो 43 हर कंडीशन में बचेगा। तो बोला है कि वो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें भाग देने पर सबसे पहले तो वो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए, और 10 से भाग दोगे तो 6 शेष फल बचना चाहिए, 15 से भाग दोगे तो 11 शेष फल बचना चाहिए, मतलब इतना डिफरेंस कितने का है, 4 का है। तो ये 4 जाता है और 39 ये जाता है, मतलब कहीं ना कहीं 43 जाता है इसमें। 43 माइनस करने के लिए पूरी संख्या में से आप 39 माइनस करो, तो पूरी संख्या से माइनस करने की जरूरत नहीं, आप क्या करो सिर्फ यहाँ पे 43 माइनस कर लो, लास्ट में 43 माइनस करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। देखो 9 में से 3 गए तो 6, 9 में से 4 गए तो 5, 56 लास्ट में कहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, डी आ रहा है। देखो 56 मतलब इसका आंसर डी वाला करेक्ट है। क्लियर हो बच्चों, चलो लिखो। बच्चों देखो इसका आंसर लगभग सबको आ गया है ना, क्या आंसर है इसका, 483। ये बेटा होमवर्क में कर लेंगे ठीक है, और इसका आंसर कमेंट कर देना ठीक है। इसके बाद वाला देखेंगे, इसका आंसर कितना है, क्या आ गया इसका, ए आ गया है। जो वीडियो देखेंगे वो होमवर्क में इसका आंसर कमेंट करेंगे। अगला सवाल देखो, चलो ये सवाल सॉल्व करो। चलो निकालो इसका आंसर। देखो बच्चों यहाँ पे क्या बोला है, संख्या 1014 में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए कि 3 4 5 और 6 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, है ना। तो क्या करेंगे, 3 4 5 और 6 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 3 एकाओ 3, यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे 3 दुनी 6 बचेगा। अब देखो 2 दुनी 4, यहाँ पे 5 और 2 एकाओ 2। अब 2 और 5 बचे है ना, तो क्या करेंगे, 2 5 10, 10 दुनी 20, 20 दुनी 60, जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका, 60। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 1014 में भाग देंगे। देखो 1014 में आपको भाग देना है, कितने से, 60 से जब भाग दोगे तो कितने बार में पहली बार जाएगा, एक बार में। कितना बचेगा, 41, यहाँ पे 4, यहाँ पे जाएगा 6 बार में 360, जब माइनस बचो करोगे तो 54 बचेंगे। अब देखो यहाँ पे 60 में से 54 कितना कम है, 6 कम है ना, 6 ही इसका आंसर है। अगर इसमें ने प्लस 6, देखो याद करते बच्चों, अगर 54 में प्लस 6 कर दोगे तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, है ना। उसने बोला है 1014 में कितना जोड़ा जाए कि पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी, इसका मतलब आपको 6 ऐड करना है सिर्फ, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी। क्लियर हुआ, चलो अगला सवाल देखो, 50 नंबर का देखो, सेम सवाल है, चलो सॉल्व करो। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, मतलब इनका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 12। 12 से आप इसको जब डिवाइड करोगे तो 12 दूनी 24 पूरा कट गया, और 12 टे 96, मतलब यहाँ पे कितना कम है, 1 कम है, तो 1 इसका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखो बच्चों, चलो सॉल्व करो। देखो बेटा यहाँ पे दो, वहां पे ध्यान मत दो, वहां पे ध्यान मत दो। देखो यहाँ पे क्या बोला, यदि के एक संख्या है जो कि 3 5 10 से विभाज्य है ठीक है, यहाँ पे क्या है बच्चों कि 3 5 10 से भाग जाने वाली संख्या क्या है, के, मतलब इनडायरेक्टली के है ना, एलसीएम दिया गया है, क्या दिया है, एलसीएम, के बराबर है, एलसीएम होगा तभी तो विभाज्य होगी, ये सुनो ठीक है। तो उसने बोला तब अगली संख्या क्या होगी जो 3 5 10 से विभाज्य होगी, मतलब सेम संख्याओं से भाग जाने वाली अगली संख्या कौन सी होगी। तो ये बात ध्यान रखना, जो लसावी होती है ना
लसावी जो भी आती है उसके गुणा में जितनी भी संख्या आती है वो उससे डिवाइड होती है। ये सुनो, मतलब आपका अगर एलसीएम इनका निकाला तो 30 आया होगा, क्या होगा? 30। तो 30 के पहाड़े में आने वाली संख्याएं जितनी होगी वो सारी की सारी संख्याएं किससे डिवाइड होंगी? एलसीएम से डिवाइड होंगी। ये सुनो, तो यहाँ पे देखो 30, 60, 90, 120 से सारी संख्याएं डिवाइड होती है 30 से। तो आपने क्या किया बेटा, यहाँ पे 30 में पहले 2 से गुना किया, यहाँ पे 30 में 3 से गुना किया, और यहाँ पे 30 में 4 से गुना किया। ये सुनो, तो यहाँ पे जो इसका आंसर दिया ना बेटा, यहाँ पे देखो लसावी में 2 जोड़ने पर भाग जाएगा क्या? नहीं। 20 जोड़ने पर भाग जाएगा क्या? नहीं। 10 जोड़ने पर भाग जाएगा क्या? नहीं। तो यहाँ पे ना 2k यानी कि 2 से दुगुना किया है। क्या किया है? डबल किया है। इसका आंसर क्या देगा? अरे भाई आतंकवादी बेटा, रुक रे भाई। इस सवाल में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये जो संख्याएं दी है ना इनका इनका डिफरेंस ले लो, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, फिर इन दोनों का डिफरेंस, और लास्ट में इन दोनों का डिफरेंस। इनका डिफरेंस कितना है बता दो जरा, कहाँ पे आई है? 852। और यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 1491। और इसका और इसका अंतर कितना है? 2343। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आपको HCF निकालना है, HCF ऑफ 852, 852, 1491, और यहाँ पे ले लेंगे 2343। चलो बेटा इनका HCF निकालो फटाफट। हाँ HCF निकालेंगे इनका, एक ऐसी संख्या जिस संख्या से तीनों संख्याओं में भाग जाता हो। चलो निकालो फटाफट। यहाँ पे देखो बच्चों क्या करेंगे, इनका सबसे पहले निकालेंगे HCF, है ना, इस सवाल के बेस पे। तो क्या हो जाएगा, इनमें भाग देंगे तो कितने से भाग जाएगा? 3 से। 3 × 2 = 6, 2 बचेंगे, 3 × 8 = 24, और 3 × 4 = 12। यहाँ पे जाएगा 3 × 4 = 12, तो 3 × 4 = 12 कितने बचेंगे? 2 बचेंगे ना, 3 × 9 = 27, और 3 × 7 = 21। यहाँ पे करेंगे तो 3 × 7 = 21, 3 × 8 = 24, और 3 × 1 = 3। अब यहाँ पे बच्चों ना 71 से भाग जाएगा, कितने से? 71 से डायरेक्ट। 7 × 4 = 28, और 4 × 1 = 4, मतलब 4 बार में जाएगा ये। 7 × 7 = 49, ये 7 बार में जाएगा। 7 × 7, 7 × 7 = 11 बार में जाएगा। तो इनका जो एच सी एफ आ गया ना बेटा कितना गया? 3 × 71, 3 × 71। तो ये जो आंसर आ जाएगा आपका आएगा 213। तो ये जो 213 दिया ना इनके अंकों का युगफल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 × 1 = 3 और 3 = 6, मतलब इसका आंसर क्या आएगा? डी आएगा, क्योंकि अंकों का योगफल बोला है उसने। अब दूसरा मेथड देखो बच्चों ध्यान से, दूसरा मेथड कैसे निकालना है, क्या करना है, ये जो संख्या आई ना तो जो सबसे छोटी संख्या होगी 852 से आप भाग दे दो, किसमें? उससे बड़ी संख्या में, 1491। इस मेथड से कितने लोगों ने किया था? ठीक है, अब यहां से कितने बार में जाएगा देखो, एक बार में जाएगा। 852 माइनस करो, 11 में से 2 गए तो 9, यहाँ पे 8 में से 5 गए तो 3, यहाँ पे कितने बचेंगे? 14 में से 8 गए तो 6। जो 639 है ना बच्चों, अब 639 से भाग देंगे, किसमें? 852 में, मतलब जिस संख्या से पहले भाग दिया था अब उस संख्या में भाग दो, किससे? शेषफल से। तो यहाँ पे हो जाएगा 852। बेटा जब यहाँ पे भाग दोगे तो कितने बार में जाएगा देखो, एक बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा 639। जब इसको माइनस करोगे तो ये जो बेटा आएगा ना यहाँ पे, ये हो जाएगा 12 में से 9 गए तो 3, और यहाँ पे 4 में से 3 गए तो 1, और यहाँ पे 8 में से 6 गए तो 2। अब 213 में कितने से भाग देंगे? अब 213 से भाग देंगे 639 में, 639, और ये 3 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसका मतलब है ना, इसका आंसर कौन सा आ गया? 213, बस एलसीएम आ गया। अब इन अंकों का योगफल करना था, 2 × 1 = 3, 3 × 3 = 6, उस कंडीशन में भी आपका आंसर क्या आ रहा है? डी आ जा रहा है। ठीक है, लिख लो। देखो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, सबसे पहले क्या करो, 5 अंकों की ना छोटी संख्या कौन सी वो बताओ मुझे, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या? नहीं बेटा, 1004 अंकों की है, क्या जाएगा इसका आंसर? 10000। ठीक है, तो यहाँ पे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपकी 10000 है। ठीक है, जिसको ना जो बोला है कि संख्या कौन सी होगी जो 21, 35 और 56 से पूर्ण विभाजित होती हो, 21, 56 और 35 से पूर्ण विभाजित होती हो, तो क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले 7 से भाग जाएगा, समय 7 से जाएगा, तो 7 × 3 = 21, 7 × 8 = 56, और 7 × 5 = 35। अब क्या करेंगे, डायरेक्टली 7 और इन सबका गुना ही उनका क्या होगा? एलसीएम होगा, है ना।
देखो ये हो जाएगा एलसीएम, जब निकालेंगे इनका तो आपका आ जाएगा 5 8 40 और 7 3 21, 21 गुना में 40, तो ये हो जाएगा 4 1 4 और 4 2 8, 840 उसका एलसीएम आ गया। तो क्या करेंगे बच्चों, 8 से 40 से ना यहाँ पे आप भाग देंगे, या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि डायरेक्टली आप भाग करके देखोगे तो भी, लेकिन वो लंबा प्रोसीजर जगह डायरेक्टली भाग कर लेना। कितने बार में जाएगा, एक बार में 840, कितने बचेंगे 160। ठीक है, अब यहाँ पे 1 0 उतार लेंगे। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, अभी कितने बार में जाएगा, 2 बार, एक ही बार जा रहा है। ठीक है, 840 माइनस कर लो, कितना गया, 760। अब बच्चों क्या करेंगे, इन दोनों का ना डिफरेंस ही, उस डिफरेंस जो भी आएगा ना वो इसमें ऐड कर लेंगे, इन दोनों का जो भी अंतर आएगा, क्योंकि ना इतना बचा हुआ इसमें कितना ऐड करें कि पूरा डिवाइड हो जाएगा, सिर्फ सवाल इतना है। तो 840 में से कितना कम है देख लो, 840 में से ना 760 माइनस कर लो, तो ये आपका जाएगा 80। मतलब अगर इसमें ना आप 80 ऐड कर दोगे तो ये पूरी पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी, तो यहाँ पे आपको 80 ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा, 10,080, इसका आंसर आ जाएगा डी वाला करेक्ट है बच्चों। क्लियर हुआ, अगला देखो। देखो अगले प्रकार के जो सवाल दिए गए ना बच्चों, यूनिट प्लेस के ऊपर है। किसके ऊपर, यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस मतलब क्या होता है, इकाई का, और इकाई के अंक के ऊपर लगभग लगभग 3 से 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, वो कौन से बताता हूँ। सबसे पहले ना एक नॉर्मल संख्या दी होगी इस तरीके से, ठीक है, अगर समझ के चलो एक संख्या दी है, डायरेक्ट उन्होंने बोला है कि 263 की जो पावर है 149 दिया है, और यहाँ पर इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक, इकाई का अंक मतलब क्या होता है बच्चों, यूनिट प्लेस, ये सुनो लास्ट वाला डिजिट है ना। तो इसका आंसर निकालने के लिए क्या करना होता है बच्चों, देखो 263 का मल्टीप्लाई कितने बार करना है, 149 टाइम। पॉसिबल है क्या, नहीं, टाइम नहीं, और होगा भी नहीं है, और पूरा दिन चला जाएगा तब जाके आंसर आएगा। ठीक है, तो इन तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, किसी भी संख्या का पावर 4 से ज्यादा होता है, कितने से, 4 से ज्यादा, तो इकाई का अंक ना रिपीट होता है। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, समझ के चलो 2 का पावर 5 है, क्या है, 3 का पावर 5 है, और 4 का पावर 5 है, तो हर कंडीशन में क्या होगा बच्चों, पता है, इकाई का अंक यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, और यहाँ पे 4 आएगा। क्यों, क्योंकि जब भी किसी भी संख्या का पावर 4 से ज्यादा हो, कितने से, 4 से ज्यादा हो, तब क्या करना, उसको ना 4 से डिवाइड कर लेना, कितने से, 4 से डिवाइड कर देना। अब जब 5 को 4 से डिवाइड करोगे तो शेषफल कितना बचेगा, 4 1 4, तो क्या करना, जो शेषफल बचता है ना, तो 2 की पावर ना शेषफल आएगी, क्या आएगी, शेषफल लिखना, 2 की पावर शेषफल, यानी कि यहाँ पे 2 की पावर कितनी आ जाएगी बता दो, 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 मतलब क्या होता है, 2 ही होता है, समझा। तो यूनिट का प्लेस कितना है बेटा, 2 आ गया, ये समझा। उसी तरीके से इसमें ना कोई भी संख्या रहेगी, अगर उसकी पावर 4 से ज्यादा है, कितने से ज्यादा है, 4 से ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, उसको कितने से डिवाइड करेंगे बेटा, 4 से डिवाइड करेंगे, समझा, 4 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 3 12, कितने बचे, 2, 4 7 28, एक बचा। इसका मतलब 263 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 263 की पावर कितनी, 1, और यहाँ पे 263 का एक बार गुणा करने मतलब 263 ही आएगा, इसका मतलब इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब बेटा समझ में आइए, तो इस तरीके से ना ये सवाल करना इजी हो जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये 100 कैसे लिखा है मुझे पता नहीं, हाँ ये 100 नहीं है क्या, ठीक है ये नहीं है, ये मिस्टेक है, तो इसके बेस पे आप सवाल कर लेंगे, तो कैसे सॉल्व हो जाएगा सवाल इजीली, यहाँ पे क्या, ठीक है बच्चों थोड़ा सा करेक्शन है, आप देख लेंगे यहाँ पे ना 150 दिया है पावर, 150, यहाँ पे 151, ठीक है ये देख लेना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब इसको बच्चों हम लोग भाग देंगे, देखो आप कितना इजी हो गया है, यहाँ पे 4 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 263 की पावर 1 बचेगा प्लस में, यहाँ पे 4 से भाग दोगे तो 4 3 12, 4 7 28, 2 शेषफल बचेंगे, मतलब 263 की पावर कितने, 2। दूसरे तरीके से भी सवाल बताऊंगा, ये दूसरे तरीके से भी सवाल सॉल्व होगा। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 263 की पावर कितनी बचेगी, 3 बचेगी, इतना क्लियर हो बच्चों। अब देखो ये मैं थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ, लिख लो 1 मिनट आप पहले इसको, यहां तक आपको समझ में आ गया है ना बच्चों। अब देखो इकाई का अंक पूछा है, 3 की पावर 1 बोले तो 3 ही आएगा इकाई, सिर्फ इकाई का अंक रखो, यहाँ पे 3 की पावर, वो 3 का वर्ग, 3 3 का 9, और यहाँ पे 3 का घन कितना होता है, 27, तो यहाँ पे इकाई का अंक बोला तो सिर्फ इकाई के अंक को ऐड कर लो बच्चों। देखो 9 और 3 12, 12 और 7 19, इकाई का अंक कितना गया, 9,
तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? नौ। ये एक मेथड है, ये एक मेथड है, और जहां तक है इस मेथड को ही हर जगह अपने को यूज करना है लगभग। ठीक है बच्चों, लिखो जरा फिर बता दो अगला मेथड। नहीं, ठीक है। और दूसरी बात, अगर कोई लड़की या लड़का आपसे कहता है, सुनो सबके लिए एक इंपॉर्टेंट बात है, सुन जरा, सबके लिए इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, आप अपने ना फ्यूचर पे ध्यान दो, करियर पे ध्यान दो। अगर वो लड़की या लड़का बोलता है मैं तुझसे बात नहीं करूंगी, मेरे बाबू मेरा सोना मेरा चांदी, मैं तुझसे बात नहीं करूंगी, मत कर, ध्यान दे, खाना नहीं खाऊंगी, मत खा, कब तक नहीं खाएगी, अगले दिन खाना भी खाएगी और फोन भी करेगी, समझाया? तो बेटर है कि अपने फ्यूचर पे ध्यान दो। लड़कियों के लिए भी सेम है, लड़कों के लिए भी सेम है, एक दूसरे के झमेले में पड़ने का नहीं, माजा नहीं, कसम से होते मैंने कसम से होते है, जर होता से ना तो बेटा काय करा समझते का, 2 दिवस जीवन नहीं बैठना ना तो बरोबर सर बरोबर होता समझते का, मन नादात लगे तो नहीं तो ये बात तो मैं पढ़ने का नहीं, जो कैसा वैसा होता है वो अपने आप ठीक हो जाता टाइम पे। ए मावशी तुला कसा कसा होता है, मैं गुच्छू मध्य कृपा नक्का और गोष्ट करते तुम्हें, समझ में आया क्या बच्चों? ये झमेले में पढ़ने का नहीं, सिंपल सी बात है, फ्यूचर पे ध्यान दो। चलो देखो अगला सवाल देखेंगे, ये सवाल आ गया क्या बच्चों? देखो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, इस सवाल में सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल लिया आपने, कितना आया और क्या जोड़ने पर बोला है, तो जोड़ने पर बोला है तो 5 माइनस कर दो, आंसर 415 आ जाएगा आपका, मतलब इसका आंसर आ गया सकता है ना। अगला सवाल देखो 56 वाला देखो, बड़ी से बड़ी 4 अंकों की संख्या जो 24, 40 और 48 से पूर्ण विभाजित होती हो, बड़ी से बड़ी 4 अंकों की संख्या बोली है तो 9999 को इनके एलसीएम से डिवाइड कर लो, जो रिमाइंडर बचेगा वो माइनस कर दो, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये होमवर्क में बच्चों कर लेना, किसमें कर लेना? होमवर्क में इस सवाल को मार लेना, ठीक है, और होमवर्क में करने के बाद आपका आंसर क्या कर देना? कमेंट कर देना, ठीक है, कोई लोचा? ठीक है, वेरी गुड। वैसे इसका आंसर क्या आ जाएगा? 9840। ठीक है चलो बाद में देख लेंगे, इसका देख लेना। 57 वो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? आप छोटी से छोटी बोला है तो यहाँ पे क्या आएगा? देखो 6, 8, 10 से विभाजित करने पर क्रमशः 4, 6 और 8 शेष में बचता हो, तो बेटा यहाँ पे क्या करेंगे पता है? सबसे पहले निकालेंगे एलसीएम, क्या निकालेंगे? एलसीएम, और जो यहाँ पे शेष आता है ना वो शेष क्या करेंगे अपन? माइनस कर लेंगे, क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे, तो 6 और 8 और 10 का एलसीएम क्या आएगा? 120। और 120 में से ना इनका डिफरेंस कितने कितने का आ रहा है? दो दो का आ रहा है, कितने का आ रहा है? दो दो आ रहा है, तो यहाँ पे ना एलसीएम में से 2 माइनस कर लो तो कितना जाएगा? 118 करने पर, हाँ क्या आएगा? 118 आंसर, समझ आया बच्चों? अगला सवाल देखो 58 नंबर का, अब ये भी सवाल फटाफट कर लो। चलो देखो बच्चों यहाँ पे सवाल में क्या बोला है कि जो दिया है ना वो 5 अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या है जो संख्या 18, 24, 30 और 40 और 42 से विभाजित होती है, मतलब जो के दिया है ना के आपका एलसीएम दिया है, क्या दिया है? एलसीएम दिया है, और एलसीएम आपको किसका किसका निकालना है? वो निकालना है आपको 18, 24, 30, 40 और 42 का, ठीक है। सबसे पहले तो 2 से भाग जाएगा सब में, 2 नम 18, 12, 15, 20 और 21, फिर से 2 से देख लो, 2 6 12, यहाँ पे 15 में नहीं जाएगा, 9 में नहीं जाएगा, 10 में जाएगा और यहाँ पे भी नहीं जाएगा, वापस से 2 से जाएगा एक बार, 2 3 6, यहाँ पे 15, यहाँ पे 5, यहाँ पे 21 और यहाँ पे 9। अब 3 से दे लो, 3 3 9, 3 1 3, 3 5 15, 5 और 3 7 21, अब यहाँ पे आ जाएगा 5 1 5, 5 1 5 और यहाँ पे 3 बचे और यहाँ पे 7 बचे, ये आबाद संख्या, इन सबका गुणा यहाँ पर क्या जाएगा? एलसीएम आ जाएगा, तो के की वैल्यू जो बच्चों आएगी ना इनका मल्टीप्लिकेशन, तो कैसे हो जाएगा देखो, 7 3 21, 21 25, 105 और 105 का गुना जब 2 में करते तो 210 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 210 गुना में, ये बचा 3 2 6, 6 2 12, इनका गुना कर लो, 1 0 12 1 12 के 2 हासिल के कितने हैं? 1 12 2 24 और 1 25, 2520 ये संख्या गई एलसीएम, क्या गई? एलसीएम। लेकिन बच्चों सवाल में क्या बोला है पता है? सवाल में उसने कहा है कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या देखेंगे तो कितनी है? 10 हजार, इसको भाग देना है कितने से? 2520 से, ठीक है, तो
तो यहाँ पे बच्चों अगर इसको 4 बार गुना करेंगे तो 25 चौक 10 हजार हो जाएगा, और इसको 20 को गुना करेंगे तो 80 हो जाएगा। तो डायरेक्टली आपको आंसर 10,080 तो मिल जाएगा, लेकिन निकालना कैसे का है कि इसको भाग करके देखेंगे। तो यहाँ पे जाएगा 3 बार, कितने बार? 3 बार। तो 25 75, और यहाँ पे 20 60, 7560। जब माइनस करोगे तो यहाँ पे बचेगा 4 4, और यहाँ पे बचेगा 2 2440। तो वो हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ एक मेथड। अब क्या करना है बच्चों कि ये पूरा पूरा डिवाइड होने के लिए इसमें कितना कम है, 80 कम है। कितना कम है? 80। जब इसको ऐड करोगे ना तो बच्चों आपको 2520 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? जो कि पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब जो 4 5 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है ना, जो 2520 से डिवाइड होगी, वो कौन सी है? 10,080। क्या है बच्चों, ये समझ में आया? तो यहाँ पे जब आप 80 ऐड करोगे तो वो हो जाएगा 10,080। देखो तो ऐसा लिखेंगे कि 2520 से 5 अंकों की सबसे छोटी विभाजित होने वाली संख्या है वो 10,080। लेकिन उसने बोला हर कंडीशन में शेषफल कितना बचता है? 7 बचता है, मतलब इससे कहीं ना कहीं 7 ज्यादा होगा। ये सुनो, क्योंकि 10,080 में तो पूरा पूरा भाग जा रहा है, लेकिन यहाँ पे बोला कि 7 शेषफल बचता है, तो मतलब 7 ज्यादा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 7 ऐड करोगे, जब 7 ऐड करोगे तो जो आपको आंसर मिलेगा वो आ जाएगा 10,087। और इसके बाद बोला उसने सभी अंकों का जोड़ क्या होगा, अब इनके अंकों को जोड़ना है। तो देखो 8 और 7 15 15 और 1 16, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 16। सी वाला करेक्ट बच्चों, आप समझ में आया? देखो बच्चों इसमें क्या करेंगे, वो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, सबसे छोटी बोला है तो लसावी निकालेंगे सबसे पहले, क्या? लसावी। और उसने बोला है पूर्ण वर्ग क्या होगा जो 15 24 और 36 से पूर्ण विभाजित हो। तो क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले, किसका? 15 24 और 36 का एलसीएम निकालते हैं। तो बच्चों इस बात का ध्यान में रखना, जब भी सवाल में पूर्ण वर्ग बोला हो, क्या बोला हो? पूर्ण वर्ग, तो छोटे से छोटी संख्या से डिवाइड करना सबसे पहले। तो 2 से डिवाइड होगा क्या? ये दोनों हो जाएगा बेटा 2 से। देखो यहाँ पे 12 और यहाँ पे 18 और यहाँ पे 15 आ जाएगा, वापस से 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 9 2 6 12 और 2 9 18 और यहाँ पे 15 बचेगा। अब 3 से डिवाइड करो, जब 3 से डिवाइड करोगे तो 3 5 15, 3 2 6, 3 3 9। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो 3 1 3 ये हो गया, अब यहाँ पे 2 और 5 बचा हुआ है, तो ऐसा कर सकते हैं 5 1 5 और 2 1 2, ये सब खत्म हो गए। अब यहाँ पे अगर बच्चों ध्यान देंगे, देखो एक जोड़ी ये बन गई, एक जोड़ी ये बन गई, लेकिन इन दोनों की जोड़ी है क्या? अगर इन दोनों की जोड़ी नहीं है तो इनकी सिर्फ जोड़ी बना लो बस, समझ में आया? तो पूर्ण वर्ग संख्या बोली तो सिर्फ आपको जोड़ी कंप्लीट करनी है, और इनका गुणा ही उसका आंसर होता है। देखो कैसे, 2 2 4 और यहाँ पे 3 3 9, यहाँ पे 5 5 25 और यहाँ पे 2 2 4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा एलसीएम? देखो 2 2 4 लिखा आपने, 3 3 9 लिखा आपने, 5 5 25 लिखा आपने, और यहाँ पे 2 2 4 लिखा आपने, ठीक है? अब इनका गुना कर लो, देखो 4 9 36 गुना में 25 चौक 100, 36 का गुना 100 में होगा तो 3600, तो मतलब ये वर्ग संख्या है कि नहीं है? 3600। इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 3600 आ जाएगा, ए करेक्ट इसका आंसर है, ठीक है? जब भी वर्ग संख्या बोले तो फैक्टर निकाले कि उनकी जोड़ी बनाओ। यहाँ पे सवाल में क्या बोला है बच्चों, यदि ये एक संख्या दी है, देखो यहाँ पे बोला है यदि देखो यहाँ पे बोला ये एक संख्या दी गई है, ये एक संख्या है, ये एक संख्या है, ठीक है, ये कट है। संख्या को 10 से भाग दिया जाता है, कितने से? 10 से भाग दिया जाता है, तो शेषफल कितना बचेगा? तो सबसे पहले बेटा भाग कितने से देना है? 10 से देना है। तो क्या करना है, शेषफल पूछा, तो शेषफल निकालने के लिए क्या करना, सबसे पहले ना लास्ट के डिजिट का ही मल्टीप्लाई कर लो सिर्फ, क्योंकि हर जगह मल्टीप्लाई किया गया है 5, ठीक है? अब यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे लास्ट डिजिट का ही मल्टीप्लाई करना, से पूरा करने की जरूरत नहीं है। देखो 5 2 10 और 10 3 30, अब ये बताओ 30 को अगर 10 से भाग दोगे, भाग कितने देना 10 से, तो शेषफल कितना बचेगा? शेषफल बेटा भाग 0, शेषफल कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि पूरा पूरा कट जा रहा है, सुनो। तो जब पूरा पूरा कट गया तो जो शेषफल है ना बेटा, शेषफल यहाँ पे क्या आएगा? 0 आएगा, 0, ठीक है? देखो किसी भी संख्या को अगर 10 से भाग देना है, कितने से? 10 से भाग देना है, और जिस संख्या में भाग दे रहे हो उस संख्या में इकाई के स्थान पर अगर आपका शून्य है, 0 है, तो शेषफल हमेशा क्या आता है? 0 ही आता है, क्योंकि 0 0 कट जाएगा, मतलब पूरा पूरा भाग जाएगा, पूरा पूरा भाग जाएगा मतलब कुछ बचेगा ही नहीं, और कुछ बचेगा नहीं मतलब शेषफल क्या जाएगा?
शून्य आ जाएगा। अब क्लियर हुआ? तो बस आज के लिए इतना काफी है, कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे, ठीक है।